बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम देखने वाले दोस्त साथ खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज हम मौजूद हैं आपको अपडेट देने के लिए लंडीकोटल चौरंगी बफर जोन। और यहाँ पर जैसे कि आपके इल्म में था कि फाइव स्टार चौरंगी से लेके लंडीकोटल चौरंगी तक बरसाती नाला बनाया जा रहा था, जो कि मुकम्मल हो चुका है और इसके दोनों तरफ की रोड भी मुकम्मल कर ली गई थी। अब जो सर्विस रोड है दोनों तरफ की, उस पर कारपेटिंग का अमल जारी है और मेन चौरंगी पर भी जो रोड का हाल बुरा था उसको भी सही करके कारपेटिंग का अमल किया जा रहा है। तो कराची में तरक्याती काम पहले की तरह अभी भी वैसे ही चल रहे हैं, तेज़ी के साथ हो रहे हैं। जहाँ जहाँ जो जो प्रोजेक्ट है वो मुकम्मल किया जा रहा है और उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह ताला मानसून की आमद से पहले ये तमाम प्रोजेक्ट जो हैं वो मुकम्मल कर लिए जाएंगे। और अगर 80% भी मुकम्मल कर लिए गए तो ये भी बहुत बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि बरसातों के दौरान जैसा कि आपने देखा, ख़ास तौर पर नागन चौरंगी, फाइव स्टार चौरंगी, केडीए की चौरंगी और ये लंडीकोटल चौरंगी, ये काफ़ी मुतासिर होते थे। और यहाँ पर तकरीबन दो से लेके चार फिट पानी जमा हो जाता था। लेकिन अब जो रोड का काम किया जा रहा है, उससे पहले जो बरसाती नाला बनाया गया है उसमें सिस्टम ऐसा किया गया है कि तमाम पानी जो रोड का स्लोब है उन नालों की तरफ है और सारा पानी उस नालों में जाएगा। और यहाँ से लंडीकोटल से जो गुजर नाला का पॉइंट है लंडीकोटल वाला, उसमें कनेक्ट किया जा चुका है। इसी तरीके से मैं आपको बता दूं कि शिपॉनर कॉलेज से शुरू हो रहा है बरसाती नाला बनना एक और वो फाइव स्टार चौरंगी तक बनेगा, क्योंकि फाइव स्टार चौरंगी से लंडीकोटल चौरंगी तक का बरसाती नाला मुकम्मल हो चुका है। तो जो शिपॉनर से आएगा वो फाइव स्टार चौरंगी के नाले में कनेक्ट कर दिया जाएगा बरसाती नाले में। इस तरह जो कटीपाड़ी से जो पानी आता था वो पानी के अभी मसला हल हो जाएगा और वहाँ पर काम तेज़ी के साथ जारी है। उसकी भी मैंने आपको एक अपडेट दी थी। इंशाल्लाह ताला मज़ीद जैसे जैसे काम उधर होता रहेगा मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। आजकल कराची में थोड़ा बहुत मौसम सुबह के टाइम गर्म भी है लेकिन शाम में हवाएं अच्छी चलने लगती हैं और इस वक्त भी मौसम अच्छा है, हवाएं चल रही हैं और शाम में गर्मी का जोर टूट जाता है। तो ये सर्विस रोड है जो कि मुकम्मल की जा रही है कारपेटिंग का अमल करके और इसको जल्द से जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसके बाद मैं आपको मेन रोड का भी दिखाऊँगा कि वहाँ पर दोनों तरफ रोड जो है मुकम्मल कर लिया गया है, रोड की कारपेटिंग का काम। लेबर लगी हुई है और शहर के कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट जो हैं उनके ऊपर तेज़ी से काम जारी है। ख़ास तौर पर गुजर नाले को मोटर नाले में तेज़ी के साथ तब्दील किया जा रहा है और इंशाल्लाह ताला उसको भी जल्द से जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसी तरीके से 13D फेज़ 2 में KCR पर भी काम तेज़ी के साथ जारी है और वहाँ की भी मैं इंशाल्लाह ताला आपको एक और अपडेट दूंगा जैसे जैसे मौका मिलता रहेगा। मुख्तलिफ़ जगहों की मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। उसके साथ साथ गुजर नाला, औरंगी नाला, वहाँ की क्या सूरत हाल है, काम की क्या पोजीशन है, वो तमाम तफसीलात हम आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला। इस वीडियो के ज़रिए मैं गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट ये भी करूँगा कि खुदारा जहांगीर रोड का जो है वो काम मुकम्मल किया जाए। ये देखें, ये मैं लंडीकोटल से चला हूँ तो लेफ़्ट और राइट साइड पर दोनों तरफ की रोड मुकम्मल की जा चुकी है। तो मैं ये कह रहा था जहांगीर रोड का पर भी काम तेज़ी के साथ किया जाए। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।